मित्रों, अगर आप अपने जीवन में अच्छा समय चाहते हैं तो याद रखें कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचें। सुख दुख का क्या है? सुख दुख तो एक अतिथि के समान है, वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन का अनुभव कहाँ से लाएंगे? जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि के नाम वाले लोगों के लिए मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपके धन की बात करेंगे, व्यापार कारोबार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, पारिवारिक जीवन की बात करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशि फल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि के नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम के नाम वाले लोगों के मई और जून के महीने, दोनों महीने कैसे रहने वाले हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि के नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं और ये जो के नाम वाले लोग हैं, देखा जाए तो खुश मिजाज होते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते किसी भी चीज़ की और हमेशा खुश ही रहते हैं। इनके पास बातों का भंडार होता है, ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करना आता है इनको, ये इनकी विशेषता होती है। परोपकारी होते हैं, कभी कभी तो ये अपना नुकसान सहकर भी परोपकार करते हैं और उच्च स्तर के बुद्धिमान लोग होते हैं ये। बार बार परिवर्तन के जीवन में होता रहता है, इनके जीवन में अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस वजह से कभी कभी ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं, पर ये निराशा से निकल भी जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं। जीवन में कई बार देर से सफलता मिलती है इनको जीवन में और किसी भी विषय पर निर्णय जो लेते हैं वो शीघ्रता से नहीं लेते, काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेने वाले होते हैं। इस कारण कई बार मौके खो देते हैं, आसानी से क्रोध नहीं करते हैं। पर अगर बात समझौते से ना बने, यानी ये पहले किसी भी बात को समझौते से ही निपटा लेते हैं, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करने वाले होते हैं। वैसे ये क्रोधी नहीं होते हैं, हाँ जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं। जो फैसला ले लेते हैं उस पर पछताते नहीं हैं, ये नई नई बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। ये लोग अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी ये हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, अपनी दोस्ती को पूरा निभाने वाले होते हैं, ये अपने परिवार के साथ चलने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति इनका लगाव बहुत होता है, ये लोग परिवार के लिए अच्छे होते हैं। ये प्रत्येक रिश्ते को ठीक ढंग से निभाना जानते हैं और इनकी अगर परिवार में कभी कोई बात को लेकर बातचीत हो भी जाए तो बहुत जल्दी ही उसे माफ़ कर देते हैं और दिल से माफ़ कर देते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में अपने घर परिवार के मामलों को लंबा नहीं खींचते क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। कई बार इनका स्वभाव थोड़ा शक्की होता है, भाई बहन के साथ इनके मित्रवत व्यवहार बहुत आम देखे जाते हैं और उनके साथ बिताया गया समय कीमती होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर के नाम वाले लोगों के लिए संघर्ष पेश करती हैं, लेकिन इसका सामना कैसे करना है वे भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव के होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, अस्थिर स्वभाव वाले और बुद्धिमान तो होते ही हैं, पर परस्पर विरोधी बातों में चलने वाले भी पाए जाते हैं। इनके जीवन में बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दिल से वफादार और विश्वसनीय लोग होते हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करने वाले होते हैं। प्रेम ज़्यादा जता नहीं पाते, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। पर अगर इनके स्वभाव को इनका जीवन साथी बदलने का प्रयास करेगा तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं, इस कारण फिर कभी कभी इनका आपस में तनाव भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं के नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि के नाम वाले लोगों को मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन और आय के मामले में के नाम वाले लोगों के लिए मई और जून का महीना अच्छे परिणाम दिखा सकता है। खासकर आप देखेंगे कि अगर आप कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं और अगर आपकी पेमेंट वहां कहीं फंसी हुई है तो आप प्रयास करें, आपकी वो पेमेंट मिल सकती है। अचानक कोई न कोई लाभ आपको देखने को मिल सकता है इन दोनों महीने में, मई और जून के महीने में। और अगर व्यापार कारोबार नौकरी नहीं करते हैं, आपने किसी को उधार दे रखा है, बहुत दिनों से आप चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आप प्रयास कर सकते हैं, दोनों महीने अच्छे हैं।
वहां पर आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। बाकी धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम रहेंगे, जो भी आपकी निश्चित आय हो रही है वो होती रहेगी और परिणाम आपको सामान्य मिलेंगे, लेकिन अचानक आपको कोई ना कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें, अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, आपका जमीन से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको धन लाभ होने वाला है इन दोनों महीने में। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यापार कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा समय है, वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। होटल इंडस्ट्री से अगर कोई जुड़ा कारोबार है तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। व्यापार कारोबार के लिए अगर हम देखें तो अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए कारोबार में भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मई और जून का महीना के नाम वाले लोगों के लिए व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पर आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा, आपके कारोबारियों के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपके नौकरी जहां आप करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के साथ और आपके सहयोगियों के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें, वाद विवाद से बचें। और व्यापार कारोबार में अगर कोई विस्तार करते हैं या फिर नौकरी बदलते हैं तो सोच समझ कर आप बदलें। नौकरी और व्यापार कारोबार में अगर विस्तार करना है तो पूरी जाँच परख के बाद ही आप विस्तार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वहां पर आपको अचानक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। व्यापार कारोबार नौकरी के लिए कुल मिलाकर दोनों महीने बेहतर ही रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों के साथ जो है 15 जून तक का समय ऐसा है जहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आप अपने मित्रों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ अहम से बचकर रहें। आप में अहम की भावना देखने को मिल सकती है, क्रोध की भावना देखने को मिल सकती है। 15 जून तक का समय ऐसा ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और वहां पर अगर आप कोई वाद विवाद करते हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ और आपके मित्रों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। पिता के साथ भी संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा मई और जून के महीने में, लेकिन थोड़ा सा तालमेल तो बनाकर रखना ही होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें, स्वास्थ्य में अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है पहले से, तो वो समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। वहाँ पर आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अपनी दवाइयाँ भी समय पर लेनी है और कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना भी ना भूलें। बाकी नई कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन आपको फिर भी एक बात का ध्यान रखना है, अगर बीपी से जुड़ी हुई कोई समस्या है और हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है या आपकी ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या आपको है तो वहां पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वो समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और स्वास्थ्य के मामले में मई और जून के महीने में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है। कोई नई स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा होती हुई नहीं दिख रही हैं, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी दोनों महीने में। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए बेहतर है, लेकिन शिक्षा में आपका मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप अपने मित्रों के साथ अपना समय खराब करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शिक्षा में आप वैसे कुल मिलाकर अगर चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, थोड़ी सी एकाग्रता बनानी होगी, फिर आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि मई और जून के महीने में शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपका है, कोई एडमिशन वगैरह लेना है, कहीं कोई बातचीत करनी है, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आप अपना पूरा समय शिक्षा में नहीं लगाएंगे, थोड़ा वहां पर आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। अगर एकाग्रता बनाकर रखते हैं तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में के नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे भी समाप्त कर सकते हैं, वो वाद विवाद भी आपका समाप्त हो जाएगा। मई और जून का महीना बेहतर है, वहां पर आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं और वो वाद विवाद भी समाप्त होंगे और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। रोमांस से भरे हुए दोनों महीने रहेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, वहां पर परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है और वहां पर कोई वाद विवाद ना बढ़ने दें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर दोनों महीने अच्छे हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मई का महीना ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा।
और अगर कोई वाद विवाद भी है तो भी वो मई के महीने में आप समाप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना ज्यादा बेहतर है, जून का महीना सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन गलत फहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी प्रेम संबंधों में, इस बात का ध्यान रखकर चलना। प्रेम संबंधों में अगर गलत फहमियां होती हैं तो ज्यादा होंगी, वहां पर फिर वाद विवाद हो सकते हैं, और उस बात का आप अगर ध्यान रखकर चलेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए सामान्य सा समय रहेगा। किसी से मुलाकात करने का प्रस्ताव देने के लिए मई का महीना बेहतर है, और कोई वाद विवाद है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं मई के महीने में, वहां पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। और अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की कोई बात है तो उसके लिए भी मई का महीना अच्छा है, आप घर परिवार और अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन समय ऐसा चल रहा है कि आपको ज्यादा प्रयास ही करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं के नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुधवार के दिन आप पक्षियों को अनाज खिलाएं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिल सकते हैं इस बारे में कुछ चर्चा की। ये के नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।